हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की रविवार शाम को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जान ले ली गई। इस घटना से पूरे हरियाणा में हंगामा मचा हुआ है। पुलिस समेत इस मामले में जांच एजेंसियों को लगाया है, जिससे कि मामले के आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। तो वहीं वारदात से राजनीति में भी हंगामा मच रहा है। नफे सिंह की जान लेने के बाद उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है और इस मामले के आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहा है। तो वहीं उनके बेटे जितेंद्र राठी का कहना है कि जब तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ती, हम पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो वहीं उन्होंने इस वारदात के लिए किस किस पर आरोप लगाया, ये भी आप सुनिए। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जारी थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाजें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाजें उठाते रहेंगे, और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। BJP को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखें? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। इंसान के जाने के बाद तो उसके बाद कोई फायदा नहीं रहता ना जी। आज सपोर्ट में आए हैं, अच्छी बात है। आज हमारे साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, क्या सुरक्षा आम आदमी की? जब VIP आदमी ही सुरक्षित नहीं है, मेरे पिताजी कोई आम आदमी तो थे नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देश का नेतृत्व किया उन्होंने। मेरी यही मांग है। देखिए, मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3.30 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो नाम है और जो आरोपी गण है जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो। शासन ये इंतजार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस की कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ, बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे, और जो जिस पे हमें शक है वो FIR में उनके नाम है।